हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं अहुजा का टॉप सेलिंग 500 वॉट्स एम्पलीफायर लेके आया हूँ, जो कि दो तरह के आते हैं, एक यूबीए सीरीज और एक एसपीए सीरीज। मोस्टली लोग यूबीए सीरीज को मॉस्फेट एम्पलीफायर्स में डिवाइड करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सीरीज में, जिसका आरएमएस 650 वॉट्स है और इसमें जिसका आरएमएस 750 वॉट्स है। तो दोनों एम्पलीफायर्स के बराबर यूज हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज रिस्पॉन्स भी बराबर है, बट मोस्टली इसको डीजेस पे यूज किया जाता है और इसको जहाँ पे हॉर्न लोडेड एप्लीकेशन होती हैं वहाँ यूज किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ऑन करते हैं अपने एम्पलीफायर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हीट सिंक बाहर दिए हुए हैं और इसमें हीट सिंक अंदर होते हैं, जिसकी वजह से इसके पीछे फैन दिया होता है। तो ऑन करने पे इस पे फैन परमानेंट इसका चलने लगता है। तो आइए बात करते हैं इनके कंट्रोल से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका पावर ऑन ऑफ का स्विच है, ये आपके पावर की एलईडी इंडिकेटर लाइट है, ये ओवर लोड की लाइट है जो कि तब जलती है जब इसमें इसके आरएमएस से ज़्यादा वोल्टेज होता है या किसी वजह से इस पे लोड ज़्यादा पड़ता है। और जब ऐसा कुछ होता है तो ये लाइट ब्लिंक करती है और रीसेट बटन पॉप आउट कर जाता है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि ये बटन पॉप आउट हुआ और पूरी साउंड बंद हो गई। साउंड बंद नहीं होती है, वो म्यूट हो जाती है। तो सिंपल तरीका है, आपका जैसे कुछ भी फंक्शन या पार्टी चल रहा है तो आप कुछ मत करिए, सीधे इस वॉल्यूम को ज़ीरो पहुँचाइए, ये दोनों वॉल्यूम ज़ीरो करिए और इस बटन को आप एक बार ऐसे दबा दीजिएगा तो आपका एम्पलीफायर रीसेट हो जाएगा, नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। सेकेंड बात करते हैं नॉब्स की, ये है मास्टर कंट्रोल जो टोटल आउटपुट आपका एम्पलीफायर का बताता है कि कितने आउटपुट तक बज रहा है। एलईडी इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि ये आपका 0 dB जो लगता है, कोशिश करिए कि आपका जो ऑपरेशन हो इतने पे ही रहे, आपकी ये +3 की फाइनल लाइट ब्लिंक ना करे ज़्यादा। ये आपके दो टोन इक्वलाइजर्स हैं, ट्रेबल का है, बेस का है, -10 से +10 तक, सेम -10 से +10 तक। ये है आपका स्पीकर ड्राइवर सिलेक्शन स्विच, जो कि अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी चलानी है तो उसके लिए बॉक्स स्पीकर पे करें इसे, अगर हाई फ्रीक्वेंसी चलानी है जैसे कि लाउड स्पीकर या हाई एचएफ ड्राइवर्स तो इसको इधर कर लीजिए तो ये रेड लाइट जलेगी, और नॉर्मल बॉक्स पे करेंगे तो ग्रीन लाइट जलेगी। तो यही कुछ कंट्रोल थे इसके एसपीए 5000 ईएम के। अब आइए बात करते हैं यूबीए 500 की। ये रहा आपका पावर स्विच, ये रहा आपका रीसेट बटन, जैसा कि मैंने इस एम्पलीफायर में बताया था कि जब ओवरलोड होता है या लोड से ज़्यादा इस पे वोल्टेज पड़ता है तो ये बटन पॉप आउट हो जाता है। कुछ नहीं करिए, इसके नॉब्स आप एकदम ज़ीरो करके इसको वापस अंदर कर दीजिए। ये आपका पावर इंडिकेटर है, ये टेम्परेचर की लाइट है, जब एम्पलीफायर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लिंक करती है। ओवरलोड की लाइट है, जब ये ब्लिंक करती है तो आपका रीसेट पॉप आउट हो जाता है। फॉल्ट की लाइट तब ब्लिंक करती है जब आपका कोई फ्यूज़ या कोई इंटरनल आईसी या कोई पार्ट जल जाता है, इसकी वजह से सिग्नल कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो ये लाइट अपने आप ग्लो करती है। ये एलईडी इंडिकेटर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि इसको 0 dB तक रखे रहिए और +3 पे अवॉइड करिए ब्लिंक होना। ये आपके टोनल कंट्रोल्स हैं, इक्वलाइजर्स हैं, 5 इक्वलाइजर्स, ट्रेबल है, इसमें हाई का है, मिड का इक्वलाइजर है, लो का है और बेस का है। इसको आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं इस बटन से। ये है मास्टर वॉल्यूम, 0 to 10 तक जाती है, ऑक्स और सीडी इसमें इनपुट लगता है तो उसकी वॉल्यूम है, एंड एक आपका माइक भी लगता है उसका इनपुट का वॉल्यूम है। तो ये हैं कुछ इसके टोनल कंट्रोल्स दोनों एम्पलीफायर्स के। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इसके बैक पैनल की। सबसे पहले देखते हैं वायर केबल, 240 वोल्ट्स 1000 वोल्ट एम्पियर्स पे इनपुट रहता है इसका एसी। ये आपका अर्थिंग का है, ये आपके दो डीसी फ्यूजेस रहते हैं 20 एम्पियर्स पे। अब बात करते हैं इसके स्पीकर आउटपुट की। सबसे पहले कॉमन का आ जाता है, फिर 2 ओम्स, 4 ओम्स एंड 8 ओम्स, तीनों पे ये 650 वॉट्स मैक्स आरएमएस देता है। ये आप देख सकते हैं नीचे अहुजा की ब्रांडिंग दे रखी है, मॉडल यूबी 500M एंड मेड इन इंडिया। ये खास बात है, अहुजा के हर एम्पलीफायर में मेड इन इंडिया ज़रूर आपको मिलता है क्योंकि एक जेन्युइन इंडियन प्रोडक्ट है ये। ये रहा आपका फैन, आइए हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं।
तो ये अब हमारा फैन ऑन हो चुका है। आइए बात करते हैं जैक्स और सॉकेट्स की। ये है आपका लाइनिंग का, जिसमें कि आप मिक्सर या क्रॉसओवर से इनपुट दे सकते हैं। ये है आपका लाइन आउटपुट किसी फर्दर क्रॉसओवर या एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए। ये है आपका माइक्रोफोन का जैक, ये है आपका ऑक्स का जैक एंड एक और ऑक्स का जैक है, दोनों साथ में वर्क करते हैं। ये है आपका सीडी या डीवीडी प्लेयर लगाने के लिए, जैसा आप देख सकते हैं आरसीए है लेफ्ट राइट। तो ये है इसका बैक पैनल। बाकी आप इसमें सीरियल नंबर देख सकते हैं, और एम्पलीफायर्स जो बनते हैं मोस्टली सीरियल नंबर्स नहीं प्रोवाइड करते, जबकि अहूजा में आपको सीरियल नंबर मिलता है। इसमें भी मेड इन इंडिया क्लियरली लिखा है, ये प्रिकॉशन सेक्शन है। तो कुछ ऐसा इसका बैक पैनल है। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने दूसरे एम्पलीफायर के बैक पैनल की तरफ। सो फ्रेंड्स ये है हमारे SPA 5000 EM का बैक पैनल, जिसमें कि आपको पीछे साइड में इधर भी एंड इस साइड भी आपको हीट सिंक्स दिख सकते हैं। ये आपका DC पे भी वर्क करता है, 36 वोल्ट DC कार बैटरी पे, यानी कि तीन कार बैटरी आपको लगानी होगी इसको DC पे चलाने के लिए, या जनरेटर से भी इन एनी हाउस चल जाएगा। ये है इसका पावर केबल 240 वोल्ट एंड सेम 1000 वोल्ट एम्पियर्स पे। ये रहा फ्यूज़, ये रहा अर्थ कनेक्टर। यहाँ पे आपको LMT यानी कि लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर सीरीज स्पीकर का आउटपुट मिलता है कॉमन 70 वोल्ट एंड 100 वोल्ट्स पे। ये रहा इसका सीरियल नंबर मेड इन इंडिया। ये रही अहूजा की ब्रांडिंग, अहूजा SPA 5000 EM मेड इन इंडिया। और ये रहा हमारे स्पीकर्स आउटपुट लो इम्पीडेंस पे, जो कि कॉमन है 4 ओम्स है एंड 8 ओम्स है। इसमें 2 ओम सपोर्ट नहीं करते, जबकि आपको इसमें LMT का आउटपुट मिल जाता है। बात करते हैं इनपुट पैनल्स की, तो इसमें सिर्फ एक इनपुट है एंड एक आउटपुट का जैक लगता है 6.5 mm पे। ये आपकी सेंसिटिविटी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप 200 mV पे करेंगे तो ये आपका ऑक्स पे वर्क करेगा, अगर आप इसको 1V पे करेंगे तो आपका लाइनिंग पे सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आप फ़ोन से बजा रहे हैं या लैपटॉप से अपने कंप्यूटर से अपने सेटअप बॉक्स या DVD को कनेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको 200 mV पे रखिए। अगर आपका मिक्सर या क्रॉसओवर से लगा हुआ है या किसी दूसरे एम्पलीफायर का लाइन आउट से लाइनिंग इसमें आप दे रहे हैं तो इसको 1V पे रखिए, आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉशन सेक्शन दे रखा है, बाकी एक सिंक ये है, एक सिंक ये है, एक ये रहा एंड एक ये है, 4 हीट सिंक्स हैं इस एम्पलीफायर में टोटल। तो ये था इस एम्पलीफायर का बैक पैनल, और ये था इस एम्पलीफायर का बैक पैनल। सो फ्रेंड्स हमने अपना स्पीकर कनेक्ट कर लिया 15 इंच 400 वॉट्स का सिंगल मॉनिटर इसमें 5000 EM में। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। ये रही हमारी ऑक्स केबल। आइए हम इसमें NCS का सॉन्ग प्ले करेंगे, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है और काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स रहते हैं इनके चैनल पे। सो प्ले करते हैं। फ्रेंड्स इसमें लो और हाई काफ़ी तेज़ आ रहा था, जैसा कि आपने देखा मास्टर 4 तक करनी पड़ी, क्योंकि फ़ोन से चलाएं तो ऑक्स इसमें डायरेक्ट इतना लाउड लेता नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल ही वॉल्यूम है ऑक्स का और लाइन इन का, तो
तो आप इसको ऑक्स फिगर के चलाएंगे तो थोड़ा बूस्ट हो जाएगा इंटरनल एम्पलीफायर से। लैंडिंग पे चलाएंगे तो आपका मिक्सर या क्रॉसओवर ऑलरेडी बूस्ट करके देता है इनपुट को। तो चलिए फ्रेंड्स अपने यूवीए 500 को टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने अपना यूवीए 500 में ऑक्स केबल और फ़ोन कनेक्ट कर लिया, स्पीकर भी कनेक्ट कर लिया है। आइए सॉन्ग प्ले करते हैं, सेम एनसीएस का ही प्ले करने का। इसमें देखा 5 इक्वलाइजर्स हैं, इसमें ट्रेबल और बेस के अलावा हाई मिड लो इनके भी कंट्रोल्स हैं, जिसकी वजह से हमको काफ़ी बेटर आउटपुट मिल रहा था। सो मे बी इसी पर्पस की वजह से या इतनी कुछ कंट्रोल्स की वजह से लोग इसको डीजे पे यूज़ करते होंगे, बट मेरा ऐसा कुछ खासा मानना नहीं है। क्योंकि जब आप लाइनिंग पे चलाते हो तो इक्वलाइजर्स ऑफ होते हैं, क्योंकि आप इक्वलाइजर अपने मिक्सर या डीजे मिक्सर या अपने एक्टिव क्रॉसओवर से कंट्रोल करते हो, तो कुछ खासा डिफरेंस तो नहीं है दोनों की आवाज़ में। बस हाँ, ये आपका 650 RMS है, ये 750 RMS है, मेनली मुझे यही लगा। हाँ, सेकेंडली इसमें फ़ैन है, ये MOSFET IC पे वर्क करता है। इसमें फ़ैन नहीं है, इसमें हीट सिंक दिए हुए हैं 5000 EM में, जो कि आपका ये ट्रांजिस्टर पावर्ड IC एम्पलीफायर है। तो फ्रेंड ये थे दोनों एम्पलीफायर। कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको अभी भी इन दोनों एम्पलीफायर्स के रिलेटेड हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सजेशन दीजिए, या कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पे आने वाले अमेजिंग वीडियोज़ के लिए DJSS चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बाय गाइज़।